हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। पिछली क्लास में हम एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर चुके हैं। उसके जस्ट बाद मैंने आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की वैल्यूज़ कैलकुलेट करना सिखाया हुआ था। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 8.2 कैलकुलेट वो सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे जो वैल्यू है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, इनकी वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करनी है ये बताया हुआ था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। साइन 60, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे हमें सॉल्व करना है। साइन 60 कॉस 30 गिवन क्या है? साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट, इनकी इनमें एंगल्स जो होते हैं, थीटा जो होता है, उसकी वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करना है वो हम पिछले चार्ट में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आप वो मेरे पिछले वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। ओके, आगे इसके बाद कंटिन्यू करते हैं साइन 60। ओके, तो साइन 60 का यहाँ पर जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। तो साइन 60 वैल्यू कितना होता है, चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, जो चार्ट में मैंने आपको बताया हुआ था। साइन 60 वैल्यू होता है रूट 3 डिवाइड बाय 2। ओके, मल्टीप्लाई कॉस 30, कॉस 30 वैल्यू भी कितना होता है, रूट 3 डिवाइड बाय 2, रूट 3 डिवाइड बाय 2। यहाँ सेम प्लस सिंबल, ये हमने पहले साइन 60 का वैल्यू रखा हुआ है, इसके बाद कॉस 30 का वैल्यू रखा हुआ है। रूट 3 बाई 2 साइन 60 का होता है और कॉस 30 का भी रूट 3 डिवाइड बाई 2 वैल्यू होता है। इसके बाद साइन 30 की बात करते हैं, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1 डिवाइड बाई 2। कितना वैल्यू? साइन 30। ये जो है किसमें, एक टेबल के अकॉर्डिंग ही देखना है आपको। तो उसमें साइन में कितना एंगल, 30 एंगल देखेंगे। तो 30 डिग्री में जितना साइन 30 का वैल्यू है वो यहाँ पे हम रख देंगे। इसके बाद कॉस 60 की बात करते हैं, तो कॉस में जो 60 डिग्री का वैल्यू होगा वो भी कितना होगा, 1/2 होगा। तो टेबल में देख के कॉस 60 का वैल्यू यहाँ पे कितना पुट कर देंगे, 1/2 रख देंगे। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, सिंपल मल्टीप्लीकेशंस है। तो रूट 3 न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, न्यूमरेटर से। रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 2। ओके, प्लस सिंबल 1/2 डिवाइड में हो जाएगा 2 इंटू 2, ऊपर 1/1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इसमें रूट 3 रूट 3 अभी दोनों किस में आ जाएंगे, एक ही रूट में आ जाएंगे, क्योंकि रूट के ही अंदर है रूट 3 रूट 3, और 2 जब 4 हो गया प्लस 1/4। ओके, अब ये रूट 3 पेयर बन गया है। ओके, क्यूब अभी स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट में बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सो कितना आया हुआ, 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। दोनों का एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम कितना आएगा, 4 ही आएगा। 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना होता है, 4 होता है। सो 4 डिवाइड बाई 4 वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 से 4 को डिवाइड करने पर 1। तो ये फर्स्ट वाला वैल्यू था जो साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 डॉट कॉस 60, इसकी वैल्यू किस तरह कैलकुलेट की हुई है, साइन 60। तो साइन 60 किसके चार्ट के अकॉर्डिंग जो वैल्यू होता है कितना, साइन 60 का। तो साइन 60 का वैल्यू पुट किया रूट 3/2, इसके बाद कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू रखा हमने रूट 3/2, इसके बाद साइन 30, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, इसके बाद कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू पुट किया हुआ है। ओके, अब ये क्या है, दोनों मल्टीप्लीकेशंस में है, और यहाँ पे ये भी दोनों किस में है, मल्टीप्लीकेशंस में। फिर इनका क्या होना है, एडिशन होना है। तो ये जो हम करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो पहले एडिशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशंस बॉडमास के अकॉर्डिंग पहले किया जाएगा मल्टीप्लीकेशन। तो इन दोनों नंबर का क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशंस किया, देन उसके बाद इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन किया। ओके, मल्टीप्लीकेशन करने के जस्ट बाद यहां पे स्टेप बन गया है, कहां पे पेयर रूट में था, तो रूट से जब बाहर निकाला तो कहां आ गया, ये बाहर आ गया। 3 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, इसको एलसीएम लेके ऐड किया तो 4 डिवाइड बाय 4 और वैल्यू आ गया है हमारा 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर का पहला क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। ओके, इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इसको रेज कर लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, इसको इरेज कर दें। सेकंड क्या है, 2 टेन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब यहां पे देख रहे हैं आप क्या है, 10 45 क्या है, यहां पे कॉस 30 और यहां पे साइन 60। तो इनकी वैल्यूज हमें पता होना चाहिए, तो इनकी वैल्यूज कहाँ से लर्न करनी है, टेबल से लर्न करनी है। जो थीटा के अकॉर्डिंग मैंने थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की जो टेबल बनाया हुआ था पिछले वीडियोज में आप देखेंगे। ओके, तो आगे 1045 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 1045 वैल्यू 1, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1045 का वैल्यू पुट किया यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या है 10 स्क्वायर 45, तो 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। प्लस सिंबल सेम, इसी के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे। कॉस 30, तो कॉस में 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 डिग्री वो वैल्यू होता है रूट 3 डिवाइड बाई 2।
रूट थ्री डिवाइड बाई टू कॉस स्क्वायर 30, तो इसको अभी क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे। देन माइनस सिंबल साइन 60, तो साइन 60 का भी वैल्यू कितना होता है रूट थ्री डिवाइड बाई टू, रूट थ्री डिवाइड बाई टू, इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। क्यों करेंगे स्क्वायर, बिकॉज साइन स्क्वायर 60, यहाँ पे साइन का जो थीटा है उसका भी क्या है स्क्वायर है, तो सेम यहाँ पे भी क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे। इतना क्लियर है? ओके, जस्ट इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, टू मल्टीप्लाई बाय वन का स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, वन ही आ जाएगा। प्लस सिंबल इसको ओपन करेंगे तो स्क्वायर, स्क्वायर में क्या करना पड़ता है उसको टू टाइम्स लिखते हैं, रूट थ्री डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई रूट थ्री डिवाइड बाई टू। इसमें रूट जो है वो ओनली ऊपर वाले नंबर का है, ना कि दोनों नंबर्स का। माइनस सिंबल आ जाएगा यहाँ पे, इसका भी सेम ओपन करेंगे रूट थ्री डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई बाई रूट थ्री डिवाइड बाई टू। ओके, ये हो गया है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में इसको आगे सॉल्व करते हैं, टू का मल्टीप्लाई वन से हो जाएगा तो कितना आ जाएगा टू आ जाएगा, प्लस रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना बाहर निकलेगा थ्री, किस तरह से जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में किया हुआ था, थ्री इंटू थ्री एक ही पेयर में और टू इंटू टू ये आ जाएगा, माइनस यहाँ पे रूट थ्री इंटू थ्री डिवाइड बाई टू, टू से कितना हो जाना है फोर हो जाना है। सो टू प्लस रूट थ्री थ्री कितना बाहर आया थ्री आया, कितना आया थ्री, और डिवाइड बाई थ्री और कितना टू टू जो फोर, यहाँ माइनस सिंबल थ्री डिवाइड बाई फोर ये भी आ गया है। अभी एक देख रहे हैं, एक किसका है प्लस का है एक माइनस का है, ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल क्यों हो जाएंगे, क्योंकि वन प्लस का वन माइनस का तो आपस में क्या हो जाने, वन से वन माइनस हुआ तो कितना आता है जीरो आता है। सेम यहाँ पे थ्री डिवाइड बाई फोर से थ्री डिवाइड बाई फोर माइनस हो जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगा जीरो, मतलब इतने पार्ट का वैल्यू कितना हो जाना है जीरो हो जाना है या इससे क्रॉस हो गया। तो टू प्लस जीरो, टू प्लस जीरो का वैल्यू कितना आ जाएगा टू आ जाएगा। तो देख रहे हैं हमने किस तरह से सॉल्व किया हुआ है, टू टेन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ये क्वेश्चन गिवन था। ओके, तो यहाँ पे टेन फोर्टी फाइव वैल्यू कितना होता है वन। ओके, कॉस 30 वैल्यू कितना होता है रूट थ्री डिवाइड बाई टू, और साइन 60 वैल्यू होता है रूट थ्री डिवाइड बाई टू। तो सेम कुछ नहीं करना है, क्या करना है सेम वैल्यूज पुट करनी है, ओनली टू जो होता है यहाँ पे क्या मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में माना जाता है जब कोई सिंपल यहाँ पे नहीं होता है। और यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर है तो यहाँ पे जो नंबर उसकी वैल्यू होगी उसकी वैल्यू का भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो टू मल्टीप्लाई वन का स्क्वायर किया है, प्लस रूट थ्री डिवाइड बाई टू कॉस 30 का वैल्यू था इसका भी स्क्वायर किया हुआ है हमने, प्लस सॉरी माइनस सिंबल साइन 60 तो साइन 60 का वैल्यू रखा हुआ है रूट थ्री डिवाइड बाई टू, इसका भी जस्ट क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। एंड देन आगे उसको प्रोसीजर के बॉर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा टू। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया है, इसी तरह आगे क्वेश्चन हम सीरीज में करते रहेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।